अज़बल शैतवानीम बसमीम डियर व्यूअर्स आज से स्टार्ट करते हैं एट आ पास टेस्ट पेपर 2021 और ये जो आज है ये 2021 है इक्कीस है इस के अलावा जो दूसरे 2019-18 और जितने भी पेपर्स हुआ है उनको इन यहाँ पे हम हल करेंगे आ, इसका फायदा होगा कि अगर आप पास पेपर देखें तो फिर उनसे इन मेरा मतलब है कि कुछ ना कुछ इंस्टिक्यूट उनसे ज़रूर आता है तो टेस्ट के लिए आपकी तैयारी अच्छा आ, हो जाएंगी तो डियर व्यवर्स आज का जो वीडियो है ये हमारे साथ ईटा पी एच डी टेस्ट है दो हज़ार इक्कीस को छब्बीस नौ दो हज़ार इक्कीस को ये टेस्ट मनद हुआ था ईटा के ज़रिए तो इसका जो टाइम है ये हमारे साथ नाइन्टी मिनट्स है और टोटल जो मार्क्स है वह सब है तो चलते हैं पाँच नंबर पर नंबर वन कंट्री लेफ्ट यूरोपियन यूरोपियन यूनियन ऑन जनवरी इकतीस दो हज़ार बीस यानी किस मल्क ने यूरोपीय यूनियन को इकतीस जनवरी दो हज़ार बीस को छोड़ा था तो हमारे साथ यूनाइटेड किंगडम जो है उन्होंने यूरोपियन यूनियन को इकतीस जनवरी दो हज़ार बीस को छोड़ा था और दो, दो नंबर जो इंस्टीट्यूट है ऐसे हरूब जो, जो जोश होश खुशी और गम में बेख्तियारुबान से निकले के क्या कहलाते हैं तो हमारे साथ हरूपी पिज्जाई हरूपी इस्तेमाम हरूपी शर हरूपी तहसीस तो इसको कहा जाता है हरूपी पिज्जाइया नंबर थ्री जिसके लाठी उसके बेंस का मतलब है नंबर ए लाठी वाले के पास बेंस होती है बेंस को लाठी से बाए कहा जाता है जिसके पास ताकत होती है उसकी मर्जी चलती है ताकवर ताकतवर आदमी के पास बेंस होती है तो जिसके पास ताकत होती है उसकी मर्जी चलती है तो ये सही आप नंबर फोर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये माहिद साइन हुआ था एंड फाइव नंबर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द क्रेप्स मिशन वाज टू अचीव द इंडियन सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वार टू ये सही ऑप्शन है एंड द सेक्शन प्रजेंट द खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑन देंटी थर्ड नवंबर यानी ट्वेंटी थ्री नवंबर उन्नीस सौ उन्नीस तो किसने खिलाफत कॉन्फ्रेंस को आ किस की सदर मतलब आ, उन्होंने ये इसको पेश किया था खिलाफत कॉन्फ्रेंस को तेईस तेईस नवंबर को उन्नीस सौ उन्नीस को तो इसका मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौलाना शौकत अली जौहर अब्दुल कलाम आजाद एंड ए के फजल तो इसमें मौलाना शौकत अली जौहर ये सही ऑप्शन है नंबर सेवन साजिद न्यूज पेपर वंस अडे रीड्स यूजुअली एज रीडिंग यूजुअली एज रीडिंग एज यूजुअली रीडिंग यूजुअली रीड्स तो इसमें यूजुअली रीड्स ये सही ऑप्शन है एंड नंबर एट डोंट बीट अराउंड द ब्रश एंड टेल मी फ्रेंकली व्हाट यू थिंक ऑफ माई प्रिपोजिशन दिन आईडियो मीन इस मतलब बीट अराउंड द ब्रश इसका मतलब है टू अवॉइड टेकिंग अबाउट वट इज इम्पोर्टेंट ये हमारे साथ सही ऑप्शन है नंबर नाइन आई वॉन्ट टू परचेज आ कुर्ता तो नाइस लॉन्ग पिंक कॉटन पिंक नाइस लॉन्ग कॉटन एंड लॉन्ग नाइस पिंक कॉटन तो कॉटन नाइस लॉन्ग पिंक तो हमारे साथ लॉन्ग नाइस पिंक कॉटन ये सही ऑप्शन है नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर टेन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिफाइन द रूल ऑफ इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ़ पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिफाइन द रूल ऑफ रिलीजन ये हमारे साथ सही ऑप्शन है रिलीजन एंड एलेवन नंबर यू शुड हैव कवरेज टू हैजी हेम योर रोडेंस तो यहाँ पर लग जाएगा टू और इस दूसरे नंबर ब्लैंक जगह में पोर लग जाएगा एन नंबर आफ्टर द डेथ ऑफ़ हेज़ मदर आई टुक हेम अवाइल टू फुल हेम सेल्फ टुगेदर अंडरलाइन प्रेज मीन इसका मतलब क्या है फुल हेम सेल्फ टुगेदर रिकवर कंट्रोल ऑफ वन एमोशन ये सही ऑप्शन है और इसके अलावा थर्टीन नंबर चार सौ बत्तीस होल फाइव माइनस दो सौ चौंतीस होल फाइव तो अगर चार सौ बत्तीस से दो सौ चौंतीस अगर आप माइनस करें तो एक सौ तिरयालीस होल फाइव इसका सही आंसर है एंड फोटीन नंबर लाग ऑफ एक्स माइनस टू लाग वाई इज इक्वल टू तो ये हमारे साथ बराबर होता है लाग ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर ये सही ऑप्शन है द नेक्स्ट वन इज़ फिफ्टीन गज़ हज़ाब में खानद कोदने का मशवरा दिया था अज़र सलमानी पारसी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन है अज़र सलमानी पारसी ये बार बार जितने भी टेस्ट मैंने दिए हैं तो उन टेस्टों में तीन बार चार बार ही आया है नंबर सोलह किस गजे में ख़वान ने अपने ज्योहरा पेश किए थे तो तबूक जब आप ने चानदा इकट्ठा करता था एन सेवनटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज इलेक्ट्रॉन डिपिशन मालिक्यूल इसका मतलब है कि वह कौन सा एलिमेंट है जो कि उनको इलेक्ट्रॉन डिपिशन उनमें कम है यानी उनको जरूरत है एन टू एच टू एन एच थ्री एन बी एफ थ्री तो सही ऑप्शन हमारे साथ बी एफ थ्री है नंबर एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक इन एनिमल हमारे साथ आई कलर ये तो इनहेरिटेड है हेयर कलर यानी बालों का जो रंग है ये भी कम्युनिकेशन स्केल स्किन कलर ये भी है कम्युनिकेशन यानी इंसान में जो काबिलियत पाए जाते हैं वह बाप से उनमें ट्रांसफ़र नहीं होता है लेकिन जब वह ट्रेनिंग करता है तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है तो इसमें सही ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन सी है नाइन्टीन नंबर विच ऑफ द अ अमियल एक्सप्रेशन तो हमारे साथ ये वन है यहाँ पे थ्री है यहाँ पे एक्स स्क् ये हमारे साथ सही ऑप्शन एक्स स्क्स वाइज कर ये बाइनामियल एक्सप्रेशन है और यहाँ पे सोल्यूशन है एक्सप्रेशन हैज़ वन टर्म कॉल्ड मानोनामियल यानी जिस एक्सप्रेशन uh, में वन टर्म हो एक टर्मिल यहाँ देखिए ये वन मानोनामिल है एक्सप्रेशन विचेज टू टर्म्स कार्ड बाइनामियल एक्सप्रेशन विचे थ्री टर्म आर कार्ड Trinomial, तो यह हमारे साथ टू एक्सप्रेशन है यह हमारे साथ टू क्या है इनमें टू एक्सप्रेशन है तो इनको कहा जाता है इसको कहा जाता है बाई एंड ट्वेंटी ईच एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन पेंटोग सौ आठ डिग्री पेंटागन में पेंटामिन पाइप जो पांच साइड वाला है हमारे साथ स्ट्रक्चर uh, होता है तो उनमें ईच एंगल हर एंगल बराबर होता है uh, किस एक सौ आठ डिग्री का नाउ कम टू द नेक्स्ट वन यहाँ देखिए आप ये हमारे साथ नाइन फोर टू एन वन तो यहाँ पे हमारे साथ जो ये है फ्रॉम द एरो यहाँ अगर हम इस नंबर को डिवाइड चार आट, दो आठ दो दो चार और एक तो यहाँ पे प्राम द इसका जो आंसर आता है वो हमारे साथ एक हज़ार वन होल टू ये आता है द नेक्स्ट वन एक किस गजबे में नौ मुस्लिम मुजाहिदों की बदनजमी की वजह से विक्राम मुंतशर हो गए गजब हुनैन एंड थर्टी वन शाहली की किताब का नाम है मकाशिपुललूब हजतलबाली ये शाह की किताब है एन थर्टी टू विच मटीरियल एलाउ द लाइट टू पास थ्रू पार्शली तो हमारे साथ जो सही ऑप्शन है हमारे साथ तो, आ, पार्शली ट्रांसलोकेंट कहा जाता है जो कि पार्शली लाइट को आ, आ, वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल ऑफ ह्यूमन आर तो छियालीस और सिंगल पाम में तेईस और हमारे साथ ये जब पूरा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उनमें छियालीस क्रोमोसोम होता है और थर्टी फोर टू स्टैंड ऑफ डी एन ए आर पैरल टू ईचर एंटी पेरल टू इचर एंड एक्टिव तो हमारे साथ एंटी पेरल होते हैं वन पाइप पाइप प्राइम टू थ्री प्राइम होता है और दूसरा जो होता है वो हमारे साथ थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम होता है एंड थर्टी पाइप तेलिसी में एच डी टू एबनॉर्मल एक्सपायरेटरी सिस्टम एबन वाइट ब्लड सेल एंड एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल एंड एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन तो तेलीसी में रेड ब्लड सेल की वजह से होती है एंड थर्टी सिक्स विच वैन बी यूज फार प्योरिटी फ्लोरिन क्लोरिन तो इसमें सही ऑप्शन क्लोरिन है थर्टी सेवन एज द कर वर्ल्ड चैम्पियन इन हॉकी तो हमारे साथ इसका सही जो ऑप्शन द नेक्स्ट वन एज थर्टी सेवन एज द करंट वर्ल्ड चैम्पियन इन हॉकी तो बेल्जियम इसमें सही ऑप्शन है बेल्जियम एज द करंट वर्ल्ड चैम्पियन इन हॉकी एंड थर्टी एट ओहो नाम जो माँ बाप बेटा या बेटी या किसी और नस्बत से मशहूर हो जाए मसलन अबू कासिम अबू तोरा उम कल्सम वगैरह क्या कहलाते तो उनका कहा जाता है उनको को नियत कहा जाता है एंड नेक्स्ट वन का हम काफिया है तो हमारे साथ खूबसूरत जन्नत गुलशन एंडी तो हमारे साथ जबीन ये सही ऑप्शन है एंड फोर्थ नंबर प्लेट एन इम्पोर्टेंट रोल इन लखनऊ फैक्ट तो हमारे साथ जीना ये सही ऑप्शन है उन्होंने लखनऊ फैक्ट में एक अजीम किरदार अदा किया था एंड फोर्टी वन ही वाज राइट ऑन द बॉल रिगार्डिंग हिज असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन द हाईलाइटेड आइडिया मोस्ट नियरली मीन ऑन द बॉल इसका मतलब है

तो ये हमारे साथ स्कल्प्टर में सही ऑप्शन स्टेट हुआ आता है इंडोर्ट द वाइस चांसलर वाज डिपेंड ऑन हिज क्लर्क टू गेट ऑल द रिपोर्ट्स टू द बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट बिफोर द हेडलाइन आइडेंटिफाई द इनकोरेक्ट अंडरलाइन आइटम तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारे साथ टू गेट है और जो गलत है वाज डिपेंड ये हमारे साथ तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है एंड फोर्टी फाइव पच्चीस परसेंट ऑफ़ अल पेंटेड ब्लू यानी पच्चीस परसेंट एक दीवार है वह ब्लू से पेंटेड हुआ है एंड तीस परसेंट पेंटिड ग्रीन और तीस परसेंट ग्रीन से है एंड द रेस्ट ऑफ द वॉल पेंटेड वाइट और बाकी जो है वो हमारे साथ वाइट से है परसेंटेज ऑफ वाइट पार्ट ऑफ द वॉल इज तो तीस और पच्चीस अगर आप कंबाइन करें तो हमारे साथ क्या बन जाता है चालीस पचास एंड पचपन तो बाकी ये हमारे साथ पैंतालीस क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है नाउ टू फोर्टी फाइव इन दिन अ क्लास ऑफ पचास स्टूडेंट तीस परसेंट रिसीव ए ग्रेड एक क्लास है उसमें पचास स्टूडेंट है और उन्होंने तीस परसेंट जो है उन्होंने ए ग्रेड हासिल किए हाउ मनी स्टूडेंट गाट ए ग्रेड तो हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स ने हमारे साथ क्या हासिल किए हैं तीस ए ग्रेड तो यहाँ पे सोल्यूशन गेट पचास हजार बी तीस पचास को हम तीस से जरब दिया जाए और फिर उनको डवाइड करें पर तो पचास जीरो पॉइंट जीरो तो पंद्रह इसमें सही ऑप्शन है छियालीस नंबर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिन ऑफ द मैट्रिक्स यानी फोर माइनस वन एन माइनस टू एन टू एज अगर हम इनकी डिटर्मिनेंट uh, के लिए वैल्यू फुट करें तो कौन सा वैल्यू मौजून होगा वन माइनस सेवन एन डी छियालीस तो हमारे साथ माइनस वन ये सही ऑप्शन है फोर माइनस वन एंड माइनस एन टू मल्टीप्लाई क्रॉस एंड पुट सब्स एट द मिडल ऑफ द

तो कसीर इसका सही ऑप्शन है और फोर्टी एट यरमुक में यर्मुक नाम है पहाड़ का कनवा का सहारा दरिया तो ये दरिया है एंड फोटी नाइन इस्लाम में पहली शहीद हादून कौन था ये जो कल वाले टी टी टेस्ट था उसमें हजरत रजो एंड फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूसड बाई व सी ओ कार्बन मोनाक्साइड ये होता है एन ओ टू नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी होता है सी ओ टू ये भी होता है सी एफ सीज ये फ्रिज और एयर कंडीशन से ही निकलते तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन डियर व्यूअर्स इसके बाद इन शाह फिफ्टी वन से सौ तक पार्ट टू में अपलोड करेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल बेलाइकान की घंटी बजाना ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ एटा प्रिपरेशन के लिए उनका बरव नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा थैंक यू सो मच फार वॉचिंगल